Hello, my dear students. So in this lecture, I am going to discuss about exocrine glands and endocrine glands. So here, I want to give a comparative view of both the types of glands. So first point about endocrine glands is, these glands, exo means they are having duct, means these are the glands with ducts. And if we want to talk about endocrine, so these are the glands without ducts, or you can say they are ductless gland without ducts. That is why they are called ductless gland. दूसरा पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि दे डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन इन टू द डक्ट्स, क्योंकि पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा है कि दे हैव देयर डक्ट्स, तो इनके जो सिक्रीशंस होंगे वो डायरेक्टली उन डक्ट्स में पोर किए जाएंगे. सिक्रीशंस डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन इन टू पर्टिकुलर डिस्चार्ज देयर सिक्रीशंस इन टू द डक्ट्स. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर हम लोग बोलें सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट होगा डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड बिकॉज दे डोंट हैव देयर डक्ट, सो दे हैव टू पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बोले एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए स्टूडेंट्स, तो दीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट नियर द साइट ऑफ एक्शन. जो एक्शन की हमारी साइट होगी, एक्शन साइट के पास ही होंगे ये वाले ग्लैंड्स, के नियर होंगे, आप ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं. और यहाँ पे ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट एट ए फार अवे साइट देन एक्शन. Present at a far away site then action. Next अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे जो इनका secretions हैं, जो exocrine gland अपना secretion देंगे, they are called as enzymes. So secretions are called as enzymes, and the secretion from endocrine glands, they are called as hormones. तो बहुत ही यहाँ पे major एक difference है, ये point आपको memorize करना पड़ेगा students, कि जो हमारा endocrine से secrete होगा उसको हम लोग hormone बोलेंगे, और जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होगा दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स. दीज आर कॉल्ड एज एंजाइम्स एंड दीज आर कॉल्ड एज हार्मोन्स. सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर. सो दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंसेस ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोर पॉइंट्स. वन इज रिलेटेड टू डक्ट, सेकेंड इज रिलेटेड टू सिक्रीशंस, and third was related to location, and fourth was secretion which is called as enzymes and hormone. So in next video I will discuss about what are the characteristics of hormones, and hormones we will discuss in detail. So thank you my dear students, I hope we will meet soon. Take care.